और पैगंबर में क्या फ़र्क है? देखें, पैगंबर तो उर्दू का लफ्ज़ है जिसका इतलाक नबी पर भी होता है और रसूल पर भी होता है। सवाल ये होगा कि कुरान में जो रसूल और नबी का लफ्ज़ आया है ना, इसके लिए इसमें क्या फ़र्क है? तो इसमें बहुत सारे अकवाल हैं, लेकिन जो राजे कौल है वो ये है कि नबी तो हर वो ज़ात जिसको अल्लाह ने बंदों की हिदायत के लिए मुंतखब किया हो और उन पर वही नाजिल होती हो। रसूल उस नबी को कहा जाता है जिसको बाकायदा शरीयत दी गई हो, बाकायदा किताब दी गई हो, ये नहीं, बाकायदा उनको शरीयत दी गई हो। जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे पास इल्म नहीं है कि उनको अलग से किताब दी गई थी, लेकिन शरीयत बहरहाल उनको अलग से दी गई थी, तो वो रसूल थे। दाऊद अलैहिस्सलाम रसूल थे, उनको बाकायदा शरीयत दी गई थी, किताब भी दी गई थी। तो नबी वो होता है, जैसे हारून अलैहिस्सलाम रसूल नहीं थे, नबी थे, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम को बाकायदा अलग से शरीयत नहीं दी गई, बल्कि वो उसी शरीयत को फॉलो कर रहे थे जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। तो इसलिए हारून अलैहिस्सलाम रसूल नहीं थे मगर नबी थे। मौजज़ात रसूलों के साथ भी हुए, अंबिया के साथ भी हुए। हर रसूल नबी होता है मगर हर नबी रसूल नहीं होता।